सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा, उपचुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, सारे गणित बीजेपी के पक्ष में है। उन्होंने कहा, हम लोग कमलनाथ जी के मजे ले रहे हैं। मतगणना से पहले कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा, उनकी कांग्रेस के 3 विधायकों से मुलाकात हुई है। विधायक कमलनाथ से दुखी और निराश है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग अभी भी साथ हैं। भदौरिया ने कहा कि मतगणना के परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे। 100% सरकार बीजेपी का, उसका गणित है। देखिए 107 भारतीय जनता पार्टी, ओके, 5 पहले हमारे साथ आ गए थे निर्दलीय बंधु, 112 हो गए थे, 2 से जब मैं आया था पिछले बार आप लोग को मिला था आपके सामने, तो 114 हो गए। तो 114, 29 अभी खाली है, 28 चुनाव एक पहले है। तो किस आधार पे, मेरे को आश्चर्य लग रहा है, अब उनको 129 सीटें चाहिए पहले, तो किस आधार पे जो है ना वो कांग्रेस सरकार बना सकती है। इसलिए सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये तय है, सुनिश्चित है। अपना खेमा भी सब, अभी कमलनाथ जी हमारे विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं, भैया आ जाओ ऐसे कर निवेदन कर रहे हैं। हमारे विधायक भी, हम सबसे भी बातचीत कर, हमने थोड़ा मजे लो कमलनाथ जी के, थोड़ा थोड़ा मजे लो ऐसे करके। तो ऐसे एक्चुअली 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार रहेगी। ये नाटक नौटक की बाबाओं के चक्कर में, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है मीडिया में कहने को, एक भिंड में मिर्ची बाबा घूम रहा था, वो प्रज्ञा सिंह जी हमारी नेता यहाँ चुनाव लड़ रही थी, तो मिर्ची बाबा ने मिर्ची हवन किए। ये जो है ना, हम किस युग में जा रहे हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, लगातार मिर्ची का हवन करा करा के उनकी आँखें जो है ना ऐसी हो गई होंगी, जल गई होंगी, और भी कहीं जल जुल गए होंगे, कलेजे में भी उनको कहीं सब हो गया होगा, अन्यथा मत लीजिए, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। तो अभी मिर्ची बाबाओं से राजनीति चलेगी क्या, कि जनता की अदालत में जाके जनता की सेवा के द्वारा राजनीति चलेगी। मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की राजनीति का ट्रेंड बदल दिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। अब एसी में बैठ के देश की राजनीति नहीं हो सकती, कोई भी नेता हो। और मध्य प्रदेश की राजनीति का ट्रेंड, जो पहले एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हलो हाय करते हुए, वहीं से दिशा निर्देश करते हुए, लोगों को सताते बंद कराते हुए, उस राजनीति का भी ट्रेंड शिवराज सिंह चौहान साहब ने विगत 14 साल में मध्य प्रदेश के गांव गरीब किसान के बीच में जाकर बदल लिया। आज भी शिवराज जी का आज भी कार्यक्रम, आज गुना जा रहे हैं, शिवपुर जा रहे हैं, आज भी कई जगह कार्यक्रम है। देखो ना, हमारे कोई ऑफर पे आने वाले लोग हैं ना, कोई बिकाऊ है ना, कोई इस प्रकार के लोग हैं ना, उनके लोग भी कोई बिकाऊ थे, एक बार मैं बता रहा हूँ, उनके लिए भी कहना चाहता हूँ। जो कांग्रेस के लोग आए ना, वो हमारे ऑफर में आए ना, इधर के लोग कोई जाने वाले हैं। एक्चुअली आत्मसम्मान की लड़ाई है। आप जो है ना, किसी को ऐसे रोटी फेंक के दोगे वो आपको स्वीकार नहीं करेगा, प्यार से बैठ के खिलाओगे तो उसको स्वीकार करेगा। तो भूख से भी ज़्यादा मान सम्मान स्वाभिमान होता है, तो इसलिए मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में उनके लोग उनके यहाँ से टूट के हमारे बीच में आए। एक्चुअली पूरा किया धरा है दिग्विजय सिंह साहब का, ये बाबा बाबा सब पाले हुए उनके ही लोग हैं। क्या हुआ कि इसका एक ट्रेंड समझिए, एक समय में कांग्रेस जो है ना तुष्टिकरण की राजनीति करती रही लगातार, एक वर्ग के प्लस बोलते बोलते। बाद में इस देश का एक ध्रुवीकरण हुआ है, आप देखेंगे चाहे किसी चुनाव में देखिए। अभी सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में फर्जी बाबा को पकड़ लाए, मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा वगैरह, तो जाने वाले थे, मुझे भी मालूम था जिंदौर से जाने वाले, जेल में मिलने जाने वाले। भाई कानून अपना काम करेगा, आप बंद हुए उन धाराओं में आप वकील करिए, जमानत कराइए, आगे से अपना पूरा जो चिट्ठा है उसको व्यवस्थित रखिए, तो नियम कानून से सरकार चलेगी, चाहे वो आरिफ मसूद वाला विषय हो, चाहे वो कंप्यूटर बाबा वाला विषय हो, कोई विषय हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।